पुराने चाइना की एक घटना है। बहुत प्रसिद्ध है ये कहानी चाइना में। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास उसने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि क्या तू सच में सन्यासी होना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी होने ही आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी हो जाना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना, जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी है और उन 500 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वो सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के से अंधेरे कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में, वे सबके लिए चावल कूटता, सुबह से उठता चावल कूटता रहता, रात हो जाती थक कर सो जाता। 12 वर्ष बीत गए, वे फिर कभी गुरु के पास नहीं गया। वो भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है तो जरूरत पड़ने पर वो खुद ही मेरे पास आ जाएंगे, तो बात ही खत्म। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कूटना है तो विचार करके क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। बस उठने से लेकर रात तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह दिया है कि तुम्हें चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न ही खत्म। जब गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना बंद हो गया। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा काम, सुबह उठना, चावल कूटना, रात हो जाती सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करते रहता था। 12 साल के बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वो आज रात मेरे कमरे के बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियाँ लिख जाए जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसके विचारों का सत्य उजागर हो। लेकिन ये विचार खुद का होना चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान नहीं था। शास्त्र तो सभी शिष्य पढ़ चुके थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे के दीवार के बाहर 4 पंक्तियाँ लिख दी। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है, उनको साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा और उसने अपने दीवार पर यह देखकर चिल्लाया कि किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वो विद्वान तो लिखकर रात को ही भाग गया था। वो डरा हुआ था क्योंकि ये पंक्तियाँ उसकी खुद की नहीं थी, उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों की चोरी किया था, इसमें उसका खुद का अनुभव भी नहीं था। शब्द तो अच्छे थे लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने मित्रों से कह गया था कि अगर गुरु सुबह उठकर, शब्द तो अच्छे थे लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने मित्रों से कह गया था कि अगर गुरु सुबह उठकर कहे कि वह क्या बात है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ। इतने सुंदर वचन तो है, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण ही तो है जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा कि उस सन्यासी ने तो बात बिल्कुल ठीक ही लिखी है,
लेकिन गुरु जरूरत से ज्यादा ही कुछ कठोर है। लेकिन अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहां से लेके आएंगे। ऐसी बातें पूरे आश्रम में चल रही थी, पूरा आश्रम गर्म था इस एक बात को लेकर। ऐसे ही चार सन्यासी ये बातें करते हुए उस चावल कूटने वाले के बगल से जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बातें सुनी। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा कि तुम हंस रहे हो, बात क्या है? तो उसने कहा कि गुरु तो ठीक ही कह रहा है। किस नासमझ ने तो उसने कहा कि गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं। किस नासमझ ने ये लिखा? ये सुनकर वो चारों सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, तुम 12 वर्षों से चावल ही कूट रहे हो और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए, और अब तुम हमें बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक कहा कि क्या तुम लिख सकता है इससे अच्छी वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना तो भूल गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इसे लिखवाने से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा कि अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। फिर उसने कहा कि जाकर लिख दो कि कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आया और कहा कि अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 लोग तुझे मार देंगे। ये मेरा चौगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी।